बेहद की परम शांति। अव्यक्त स्थिति का कर्म इंद्रियों पर क्या परिणाम होता है? अव्यक्त स्थिति का कर्म इंद्रियों पर क्या परिणाम होता है? इसका जवाब अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 1969 इस किताब में मिलता है, पेज नंबर 34 के ऊपर। तो बाबा कहते हैं, जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे उतना उस अव्यक्त स्थिति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म ऐसा होगा जैसे श्रीमत राय दे रही है, यह अनुभव बच्चे पाएंगे। अव्यक्त स्थिति का मतलब है मैं आत्मा हूँ, मैं प्रकाशमय आत्मा हूँ, मैं बेहद की आत्मा हूँ और मैं आत्मा इस स्थूल शरीर को, इस व्यक्त शरीर को चला रहा हूँ, यह सोचना। और मेरा यह शरीर प्रकाशमय रूप का है, मेरा यह शरीर परम तत्व से बना हुआ है और ये सारा वायुमंडल, ये सारी सृष्टि, पेड़ पशु पक्षी सभी प्रकाशमय रूप में है और सभी परम तत्व के बने हुए हैं और इस मृत्यु लोक का परिवर्तन अमर लोक में बनना है। ना कोई दुखी होगा, ना कोई चिंतित होगा, ना कोई भूखा होगा, सभी हमेशा के लिए सुखी रहेंगे, ये सोचना है। ये होता है अव्यक्त भाव। व्यक्त भाव मतलब देह अभिमान। देह अभिमान में कभी नहीं आना। अगर हम देह अभिमान में आते हैं तो कर्मेंद्रियाँ तो चंचल बनेगी, इसलिए हमें स्वयं को अव्यक्त भाव में रखना है, आत्म अभिमान स्थिति में रखना है। मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूँ, मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार का मालिक हूँ, इस भाव में रहना है। तभी हमारे कर्मेंद्रियाँ शीतल बनेंगी और हमें हमारी कर्मेंद्रियाँ ऐसे कर्म करेंगी जैसे श्रीमत, इनके बेहद के बापूजी, इनके बेहद के दादाजी, ऑल मेटी अथॉरिटी श्रीमत दे रहे हैं, उसी अनुसार हमारी कर्मेंद्रियाँ कर्म करेंगी। बेहद की परम महाशांति। अधिक जानकारी के लिए यूट्यूब के ऊपर बापूजी दशरथ भाई पटेल, इनके प्रवचन सुनिए, बेहद की परम महाशांति।